हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और इस हलवे में मैंने बहुत कम दूध का इस्तेमाल किया है। मैंने मावा भी नहीं लिया है, कंडेंस मिल्क भी नहीं लिया है और घी का भी मैंने कम ही इस्तेमाल किया है। फिर भी ये हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसे हमें ग्रेट भी नहीं करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाजर मैंने 1 किलो लिया हुआ था, उसी के साथ मैंने लिया है 1 लीटर दूध। ये फुल क्रीम दूध है। अगर आप इसे और भी जल्दी बनाना चाहती हैं, जिससे कि आपका और ज़्यादा जल्दी बन जाए, तो आप दूध 1 पैकेट ले लीजिए यानी कि 1/2 लीटर। उसके साथ आप करीब 200 ग्राम मतलब 1 कप ले लीजिए मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, आपका काम और जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा बनाने में। तो सबसे पहले हम गाजर को कट कर लेंगे बड़े बड़े पीसेज में। आप चाहें गाजर को कट भी नहीं करेंगे, ऐसे भी रख देंगे तब भी बन जाएगा, बट थोड़ा सा मैं कट कर दे रही हूँ जिससे कुकर में आसानी से रखते बने गाजर को। जैसे मैंने कुकर में डाल दिया सारे गाजर को, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ 1/2 कप दूध। दूध मैंने 1/2 कप से भी कम लिया है, छोटा वाला कप है। आप दूध नहीं भी डालेंगे तब भी गाजर पक जाएगा, क्योंकि गाजर खुद भी अपना पानी छोड़ता है। तो मैंने इसे फुल फ्लेम पे 2 सीटी के लिए कुक कर लिया है, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो देखिए गाजर हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। इसके बाद इसे मैं करछी से मैश कर लूँगी। आप चाहो तो इसे पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है ये, क्योंकि ये पक चुका रहता है बहुत अच्छी तरह से। मैश करने के बाद इसे मैं साइड में रखती हूँ, चलती हूँ अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसे अगर आप बहुत ज़्यादा सीटी लगा देंगे तो फिर इसका जो मिठास है वो कम हो जाएगा, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा मत पकाएं। इसके बाद यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घी। घी का इस्तेमाल मैं कम कर रही हूँ क्योंकि दूध मेरा फुल क्रीम है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। दूध को मैंने रख दिया था पहले गर्म होने के लिए। और ये दूध के साथ मैं ऐड कर दूंगी गाजर जो मैंने मैश करके रखा हुआ है। ये गाजर हलवा बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स और बहुत टेस्टी भी बनता है। इसे मैं फुल फ्लेम में पकने दूंगी और चलाती रहूंगी जिससे कि नीचे से लगे नहीं। दूध बहुत जल्दी नीचे से लग जाता है तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना होगा। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया था काजू, बादाम एंड किशमिश। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ इलायची पाउडर 1 चम्मच, छोटा चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा हलवा का। तो ये थोड़ा सा सूख गया है दूध। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद मीठा पसंद हो तो आप चीनी को ज़्यादा ऐड करो, कम पसंद हो तो कम ऐड करिए चीनी। चीनी डालने के बाद, चीनी मेल्ट होने के बाद ये थोड़ा सा और मॉइस्चर इसमें आ जाता है, थोड़ा गीला हो जाता है। इसे हमें चलाते रहना होगा कंटिन्यू। मैंने पूरे हलवे को फुल फ्लेम पे ही बनाया है जिससे कि जल्दी से हो जाए, बट कंटिन्यू मैं इसे चलाती रही हूँ जिससे कि जले नहीं, जिससे बहुत जल्दी बन जाता है हलवा इस तरह बनाने से। तो देखिए हलवा सूख गया है। अगर आपको थोड़ा गीला गीला हलवा पसंद है तो ये रेडी है खाने के, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा भी और भूनूंगी। गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दूंगी और अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें बहुत अच्छा सा
टेस्ट आता है, एक सूंधापन आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हलवा मेरा बन के रेडी है सर्व करने के लिए। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूँगी। तो गार्निश करने के लिए मैंने लिया हुआ है आलमंड, जिसको मैंने पतला पतला कट कर लिया है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।